एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो फिर से स्वागत है आप सबका मेरे चैनल। तो हेलो स्टूडेंट, तो आप सब कैसे हो? तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्लास टू का ईवीएस आवर एनवायरनमेंट जो आपका बुक है उसका हम चैप्टर थ्री कर रहे थे, माय फैमिली, जिसका हमने समरी किया था। अभी तक हमने पूरे चैप्टर को पढ़ा था कि चैप्टर में आखिर है क्या, जितने भी की पॉइंट्स थे हमने उसको क्लियर किया था। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन आंसर की ओर। तो क्वेश्चन आंसर्स की ओर जब बढ़ेंगे, उससे पहले जो भी स्टूडेंट्स वीडियो को डेली फॉलो करते हैं, डेली वॉच करते हैं और पेरेंट्स उनकी मदद करते हैं, तो पेरेंट्स को उनकी मदद ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि बच्चे अभी टू के स्टूडेंट के हैं। तो टू के स्टूडेंट, तो उन्हें थोड़ा सा समझने में शायद प्रॉब्लम हो रहा हो। वैसे तो बच्चे समझ लेते हैं अगर उनके पास रख दो तो, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन थोड़ा हेल्प करना इंपॉर्टेंट होता है पेरेंट्स का। अगर पेरेंट्स साथ में बैठेंगे तो बच्चे और अच्छे से वीडियोज़ को समझ पाएंगे। आजकल स्कूल में उतने अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पाती है, टाइम पीरियड कम रहता है, उतने शॉर्टेज टाइम में मैम लोग उतने अच्छे से नहीं करवा पाती हैं। तो अभी आप ये वीडियो को देखोगे तो आपका पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। तो हम बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर की ओर बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, जो भी मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएँ, ताकि मेरे सारे नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे और आपका एक एक चैप्टर अच्छे से क्लियर हो। आई होप सो आप ऐसा करेंगे, और वीडियो के अंत में वीडियो को लाइक भी करेंगे, स्किप ना करें, वीडियो को फुल वॉच करें। चलिए, आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगा, उसके बाद यूज़फुल लगे तो वीडियो को अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर भी कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर थ्री, माय फैमिली, क्लास टू का। तो हम यहाँ तक ऑलमोस्ट डन कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, रीड एंड रिकॉल दिया है। क्या दिया हुआ है? अ फैमिली इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल रिलेटेड टू वन अनदर। सेकंड दिया है, फादर मदर एंड चिल्ड्रेन लिविंग टुगेदर मेक अ न्यूक्लियर फैमिली। फिर दिया है, ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, अंकल्स, आंट्स एंड कजिन लिविंग टुगेदर मेक अ जॉइंट फैमिली। फिर दिया है, ऑल फैमिली मेम्बर्स हेल्प ईच अदर एंड शेयर द वर्क एट होम। अब यहाँ पे नीचे आते हैं एक्सरसाइजेस। क्या दिया है? फर्स्ट नंबर, इन सर्कल द करेक्ट ऑप्शन। तो देखिए, सबसे पहले नंबर पे दिया था अ न्यूक्लियर या जॉइंट। न्यूक्लियर और जॉइंट दो ऑप्शंस है। फैमिली हैज़ अ ग्रैंड पेरेंट्स, अगर किसी फैमिली में ग्रैंड पेरेंट्स हैं तो वो कौन सी फैमिली कहलाती है? न्यूक्लियर फैमिली कहलाती है कि जॉइंट फैमिली कहलाती है? न्यूक्लियर में तो सिर्फ चार लोग होते, इसलिए वो नहीं होगा, जॉइंट फैमिली होगा। जैसे कि हमने यहाँ पर अभी पढ़ा था, ग्रैंड पेरेंट्स रहते हैं, अंकल आंटी रहते हैं, तो वो जॉइंट फैमिली हो जाती है। फिर सेकेंड देखिए, द चिल्ड्रेन ऑफ माई अंकल एंड आंट आर माई कजिन्स या सिबलिंग। क्या बोला? द चिल्ड्रेन ऑफ माई अंकल एंड आंटी। अपने भाई बहन को सिबलिंग्स कहा जाता है, लेकिन अंकल आंटी के बच्चों को कजिन्स कहा जाता है। थर्ड नंबर, द पेरेंट्स ऑफ माई मदर, सॉरी फादर, द पेरेंट्स ऑफ माई फादर आर माई मैटरनल या पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स। अब क्या बोल रहा है? द पेरेंट्स ऑफ माई फादर, जो मेरे पापा का परिवार होगा, पापा के मम्मी पापा, पेरेंट्स मतलब क्या होता है? माता पिता, जो मेरे पापा के माता पिता होंगे वो क्या पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स कहलाएंगे या फिर मैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स कहेंगे? आपसे पूछ रहा है तो इसलिए ग्रैंड पेरेंट्स बोल रहा है। तो पापा के माता पिता को कहते हैं पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स, और मम्मी के मम्मी पापा को क्या कहते हैं? मैटर्नल, यानी दादा दादी को क्या कहते हैं? पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स, और नाना नानी को कहते हैं मैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स। चलिए नीचे आते हैं फोर्थ नंबर पे, द पेरेंट्स ऑफ माई मदर फादर आर माई मैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स। जो अभी क्वेश्चन ऊपर था, सेम नीचे, द पेरेंट्स ऑफ माई मदर, मेरे मम्मी के माता पिता जो होते हैं वो आर माई मैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स, वो मेरे मैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स होंगे। क्लियर? अब देखिए पाँचवा नंबर क्वेश्चन, आवर पेट्स या स्ट्रे एनिमल्स आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ आवर फैमिली। कौन हमारी फैमिली का हो सकता है? पेट्स हो सकते हैं। तो आवर पेट्स एनिमल्स, पेट्स एनिमल्स आर कॉल्ड, आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ आवर फैमिली। ठीक है, कॉल्ड, सॉरी गलती से बोला गया, आर ऑल्सो पार्ट ऑफ आवर फैमिली। ये हो गया आपका फर्स्ट नंबर, सर्कल यहाँ पे जिस बच्चे का बुक है उसने कर रखा है। सेकेंड, हाउ डू यू एड्रेस द फॉलोइंग मेम्बर्स ऑफ योर फैमिली। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, ये खुद से आपको करना है, क्योंकि ये क्या बोल रहा है, हाउ डू यू नो, हाउ डू यू एड्रेस द फॉलोइंग मेम्बर्स यू ऑफ योर फैमिली। जितने भी मेम्बर्स हैं इसके आपको खुद ही बताने पड़ेंगे ना, तो आप यहाँ पे बताओगे। फिर देखिए थर्ड नंबर, हु डज द फॉलोइंग वर्क इन योर फैमिली। अब यहाँ पे जो इतने सारे लोग दे रखे हैं, ड्राइव द कार, कुक फूड, हेल्प यू इन स्टडीज, टेल यू बेड टाइम स्टोरीज,
गो टू द ऑफिस ऑफ अर्न मनी, टेक केयर ऑफ यू व्हेन यू आर अ सिक। देखिए, ड्राइव द कार, अब आप घर में कौन कार चलाता होगा, पापा, फादर लिख दीजिए, फिर कुक फूड कौन बनाता है, मदर, हेल्प यू इन स्टडीज, एल्डर सिस्टर, एल्डर ब्रदर, एल्डर सिस्टर्स एंड अ ब्रदर, ये हो गया। फिर क्या बोल रहा है, टेल यू बेड टाइम स्टोरी, ग्रैंड पेरेंट्स, गो टू द ऑफिस टू अर्न मनी, फादर, टेक केयर ऑफ यू व्हेन यू आर सिक, अगर आप बीमार होते तो आपका ख्याल कौन रखता है, मदर, ये हो गया, ये तो हमने कर दिया, सेम ही आंसर होगा, पर ये सेम नहीं होगा, इसलिए ये आप लोग करोगे। ओके, चलिए, अब इधर आते हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हाट इज अ फैमिली, व्हाट इज अ फैमिली, सामने आंसर था, देखिए ये, अ फैमिली इज अ ग्रुप ऑफ पीपल रिलेटेड टू वन अनदर, ये इसका आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है, ये आंसर लिखने से ये सही होगा। सेकंड क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ फैमिली डू यू लिव इन, आपसे पूछा जा रहा है कि आप कौन सी फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली, जॉइंट फैमिली, बिग फैमिली, जो भी आप फैमिली रहते हो आपको यहाँ पे बताना है, क्लियर। मान लीजिए आप न्यूक्लियर फैमिली हो तो आप लिख दो कि न्यूक्लियर फैमिली, या फिर लिखो कि आई लिव इन न्यूक्लियर फैमिली, ऐसे लिख दो, ठीक है। फिर नेम द मेम्बर्स ऑफ योर फैमिली, तो जो जो रहते हो, मम्मी पापा, मैं और मेरा भाई, मी एंड माई ब्रदर, ऐसे, जैसे कि 4 का 2 नंबर, यही क्वेश्चन है ना, तो क्या लिखेंगे हम, विच टाइप ऑफ फैमिली डू यू लिव इन, तो आप एक शब्द में भी उत्तर दे सकते हो, ज्वाइंट फैमिली तो लिख दो ज्वाइंट फैमिली, या फिर लिखो आई लिव इन ज्वाइंट फैमिली फुल स्टॉप, कौन कौन है, नेम तो लिख दो, ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, अंकल्स, आंट्स एंड कजिन्स लिविंग टुगेदर फर्स्ट, हो गया, ये हो गया आंसर 4 का 2 नंबर का। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहे हैं, What is the difference between nuclear and joint family? तो चलिए 4 का 3 नंबर, nuclear और joint बोला, तो यहाँ पर हम लिखते हैं nuclear और यहाँ लिखते हैं joint, ठीक है, partition दे देते हैं, ये रहा, तो ये हो गया joint family, R लिख दीजिए यहाँ पे, जॉइंट फैमिली आर ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, अंकल, आंट्स एंड कजिन्स लिविंग टुगेदर, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे लिख देते हैं हम न्यूक्लियर फैमिली आर पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स फुल स्टॉप, यही रहते हैं ना, भाई बहन रहते हैं और माता पिता रहते हैं, क्लियर हो गया, न्यूक्लियर फैमिलीज आर सिबलिंग्स लिविंग टुगेदर, हो गया फर्स्ट, तो इस तरह से दोनों हो गया डिफरेंस बिटवीन, इसमें क्या है, पेरेंट्स और सिबलिंग्स रहते हैं, इसमें चाचा चाची, दादा दादी, मम्मी पापा, उनके बच्चे सब एक साथ रहते हैं, तो ये जॉइंट फैमिली होता है, तो ये आप अगर लिख दोगे तो आपका आंसर 4 का 3 नंबर सही हो जाएगा, क्लियर हो गया। चलिए 4 नंबर की ओर बढ़ते हैं, 4th
फोर नंबर क्वेश्चन, वाई शुड वी शेयर हाउस होल्ड वर्क इन आवर फैमिली? क्यों, मतलब कि पूछ रहा है क्यों हम शेयर करते हैं हाउस होल्ड, मतलब कि घरेलू जो काम होते हैं वो एक दूसरे के साथ मिलके क्यों करना चाहिए। चार नंबर, क्या होगा इसका आंसर? ऐसे लिख सकते हो आप, क्यों करते हैं ना, यही पूछ रहा है, तो वी लव आवर फैमिली एंड एवरी मेंबर टेक केयर ऑफ इच अदर, सो दैट्स वाई हम क्या करते हैं, उनकी मदद और शेयर करते हैं। तो फिर लिख देंगे अदर, यहाँ तक लिखे इच अदर, लिखेंगे फिर वी शेयर हाउस होल्ड वर्क इन आवर फैमिली, ये भी खाली लिख के छोड़ देंगे तो भी गलत नहीं होगा, सही होगा, क्यों पूछ रहा है। फिर नीचे देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है पाँचवें नंबर पे, लिस्ट एनी थ्री थिंग्स डैट यू डू टू हेल्प योर फैमिली, तीन चीज़ों की लिस्ट बनाइए जो कि आप हेल्प करते हो अपनी फैमिली का घरेलू काम, कुछ भी आप बना लो, झाड़ू लगाने में, किचन में हेल्प करते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है, वो आपके ऊपर है, आप क्या करना चाहते हो, तीन चीज़ों का लिस्ट बना लेना, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क रहेगा, बुक में देख के बनाना है, को जो करना है आप वो लिस्ट बना लो। अब नीचे आते हैं, हाउ कैन यू हेल्प योर फैमिली मेम्बर, कैसे कैसे करते हो, अभी देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, मदर्स कुक फूड एवरी वन डज मोस्ट टू द हाउस होल्ड एक्टिविटी वेन किड्स अनवेल सी टैक्स, यहाँ नहीं, जैसे देखिए, दे गिव हेल्दी फूड क्लोज टॉय गिफ्ट्स देयर चिल्ड्रेन दे ऑल्सो टेक केयर देयर हेल्थ एजुकेशन, ये लिख सकते हो कि एल्डर ब्रदर और सिस्टर हेल्प्स आउट हिज हर यंगर ब्रदर सिस्टर इन कम्प्लीटिंग देयर स्कूल होमवर्क हेल्प पेरेंट्स इन देयर हाउस होल्ड एक्टिविटीज, ये क्वेश्चन का देखिए पाँचवें नंबर का भी आंसर हो सकता है, और ये जो क्वेश्चन पूछा था आपका ये इसका भी ये आंसर हो सकता है, कैसे करते हो और तीन लिस्ट बनाने बोला, तो एक तो आपका ये हो गया और बाकी आप जो करते हो वो आप बना लेना, एक तो ये हो गया, इस तरह से आप हेल्प करते हो पढ़ा कर एक दूसरे को। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, एक्सपीरियंशियल लर्निंग, योर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स आर नाइस टू यू एंड हेल्प यू इन एवरी वे, लेट देम नो हाउ वंडरफुल दे आर बाय डिजाइनिंग अ चीयरफुल प्लांट विथ अ मैसेज, यानी मतलब कि आपको बनाना है, ऐसे देखिए यहाँ पे देखिए बना के दिखा रखा है, जैसे मटेरियल रिक्वायर्ड एन आइसक्रीम कप, एक कप लीजिए वॉश एंड क्लीन धो लीजिए, आई यूज अ स्ट्रो वॉश एंड क्लीन स्ट्रो लीजिए धो लीजिए, ब्राइटली कलर थिक पेपर फ्रॉम ओल्ड ग्रीटिंग कार्ड, ग्लू सीजर एंड ग्रीन पेपर, स्टेप ड्रो अ बिग फ्लावर ऑन द कलर्ड पेपर, कट एंड पेस्ट इट ऑन द स्ट्रो, सेकेंड कट टू बिग लीव्स ग्रीन पेपर, राइट थैंक यू मैसेज ऑन देम, पेस्ट ऑन द स्ट्रो एज सोन इन द पिक्चर, फिल द कप विद द पेबल्स एंड स्टिक द स्ट्रो इन द कप, स्ट्रो को लगा दीजिए, गिव इट टू योर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स, दे दीजिए, ये हो गया। तब आपको ये एक्टिविटी करनी है, तो देखिए वैल्यू द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ, उसके बाद आई एम अ वेल मैनर्ड चाइल्ड ऑफ माई फैमिली, तब मैं बहुत अच्छा बच्चा हूँ अपने परिवार का, आई कैन मैच द फॉलोइंग करेक्टली, अब इसे मैं मैच करूँगा अच्छे से, व्हेन आई आस्क फॉर समथिंग आई से, अगर मैं किसी से बात करता हूँ तो सबसे पहले उसे क्या बोलूँगा, किसी से अगर बात, व्हेन आई आस्क फॉर समथिंग आई से क्या बोलेंगे, प्लीज़, पहले बोलेंगे प्लीज़, इफ़ आई हर्ट समवन आई से आई एम सो सॉरी, इफ़ माई पेरेंट्स डू समथिंग फॉर मी
अगर मुझे मम्मी पापा ने कुछ दिया तो आई से थैंक यू, आई लेट माई सिस्टर प्ले विथ माई टॉयज, दिस इज कॉल्ड शेयरिंग, आई विश माई ग्रैंड पेरेंट्स डेली, आई शो देम रिस्पेक्ट। अब देखिए वन नंबर ये हो गया, हर्ट आई एम से सॉरी, दो नंबर डू समथिंग फॉर मी, अगर कुछ देंगे तो थैंक यू, आई लेट माई सिस्टर प्ले विथ माई टॉयज, दिस इज कॉल्ड शेयरिंग, आई विश माई ग्रैंड पेरेंट डेली, आई शो देम रिस्पेक्ट। पाँच हो गया ये आपका आंसर, क्लियर। इसी के साथ हमारा जो चैप्टर था माई फैमिली वो क्या होता है, ख़त्म होता है। आई होप सो आपके लिए यूज़फुल होगा। नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे हम द फूड वी ईट के साथ, तब तक के लिए वीडियो अगर आपको यूज़फुल लगे तो लाइक शेयर एंड सपोर्ट। बाय बाय एंड थैंक यू।